लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चार से मुंबई के लिए गाड़ी रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण कर लें। ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4 इज अबाउट टू लीव फॉर बॉम्बे। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। मैं समझा था कि आप मेरे दोस्त हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी ही जींस पहनता है ना। ओ, अब मेरा पेपर देंगे? जी। ओ। क्या इसका सिर्फ यही मतलब है कि सफर के साथ साथ बातें भी होती जाएं तो अच्छा है ना। बाय द वे, मेरा नाम अशोक सक्सेना है, आपका? ये कसूर मेरा नहीं मैडम, पंखे का है। इसे मैं अपनी तरफ करता हूँ और ये आपकी तरफ चला जाता है। हाथ हटाओ, मुझे मालूम है तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। हाथ हटाओ, यू स्काउंडरल। मैं अभी तुम्हें इस कंपार्टमेंट से बाहर निकलवाती हूँ, इडियट। तो एक जेंटलमैन है, अगर कोई भी खूनी हमारे सामने आ जाए तो हम उसको फौरन पहचान लेते हैं।
एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूं। ये जो पुलिस वाले हैं ना, गुंडे बदमाशों को छोड़कर मुझ जैसे शरीफ आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरे पास टिकट नहीं थी। और हाँ, आपने मुझ पर जो एहसान किया है, कभी जिंदगी ने मौका दिया और आप पे ये वक्त आया तो काम आ जाऊंगा। ये अशोक सक्सेना बड़े काम की चीज है। इसे देखा है? उदो, उदो। कहां जा रही? ये क्या हरकत है? ये आदमी कहां है? देखिए, ना ही मैं जानती हूं कि ये कहां है और ना ही मैं जानती हूं कि ये कौन है। I see. तो आप किसी को जाने बगैर रोमांस करने लगती हैं? सच सच बताओ, वो कहाँ है? वो खूनी है और पुलिस को उसकी तलाश है। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। मेरी पीठ पर छुरी रखकर वो पोज क्यों बनाया था, ताकि आप उसे देख न सको। ये झांसा किसी और को देना मैम साहब। अभी क्या कह रहे हैं, मैं तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए आप ही के पास आ रही थी। आपको जो भी कुछ कंप्लेंट करना है और हमें जो भी कुछ पूछना है पुलिस स्टेशन में पूछेंगे। मास्टर साहब, अगले स्टेशन पर गाड़ी रोक दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बंबई में एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है और मैं उसे मिस नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। मैं सही वक्त पर बंबई नहीं पहुंची तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी बात तो सुनिए। ठीक है ठीक है, बाद में बात करेंगे। राम सिंह, राम सिंह, ये क्या? राम सिंह, ठहरो। राम सिंह। यस सर। राम सिंह, ये क्या है? साहब बनियान है। अरे गधे के बच्चे, तुम्हारी वर्दी कहाँ पर है? पुलिस हेडक्वार्टर्स टू ऑल यूनिट्स, मीलापुर स्टेशन से एक पुलिस जीप चोरी हो गई है। पीछे एक लड़की लाल कपड़े पहने बैठी है, जहां भी नजर आए फौरन गिरफ्तार कर लो। ये सब क्या है? कौन हो तुम? तुम गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। बचाओ, बचाओ, कोई है? अरे गाड़ी रोको, कोई है? बचाओ। चिल्लाने से पहले ये मत भूलो कि पुलिस मुझे खून के इल्जाम में तलाश कर रही है, और अगर मैंने एक और खून कर दिया तो मुझे दो बार फांसी नहीं लग सकती। खूनी, कातिल, गुंडे, दो मिनट में ये हथकड़ी तुम्हारे हाथ में होगी। तुम पुलिस से नहीं बच सकते। पुलिस? अगर मिलिट्री भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकती। डीएसपी राणा यार, डीएसपी राणा यार, हाईवे क्रॉसिंग पर रोड ब्लॉक लगा दो। चौकी नंबर 11, चौकी नंबर 11, हर रास्ते पर निगरानी रख। सर, पूरे एरिया के ट्रैफिक कंट्रोल को सख्त इंस्ट्रक्शंस पहुंचा दिए गए हैं, मुल्जिम बचकर नहीं जा सकता। हेलो हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर सक्सेना बोल रहा हूँ। मेरे साथ मिनिस्टर साहब रतलाम जा रहे हैं। हाईवे नंबर 4 की नाकाबंदी खोल दो। गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको, ये आखिरी पुलिस वाला नहीं है। बचाओ, बचाओ। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ठहरे हो क्या? अरे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, ये आखिरी पुलिस वाला नहीं है। दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा हियर, दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा हियर। मुजरिम की जीप हाईवे नंबर 3 की तरफ जा रही है। पुलिस की जीप जहाँ जहाँ हो हाईवे नंबर 3 की तरफ मुड़ जाए। ये क्या हो गया है? पकड़ो, फॉलो करो। ये गलत हो रहा है। मुझे हाईवे नंबर 8 की तरफ जा रहा है, उसका पीछा करो। अब वो हाईवे नंबर 5 की तरफ मुड़ गया है। सारी फौज हाईवे नंबर 7 की तरफ आ जाओ, जल्दी। ये क्या, हथकड़ी अभी तक तुम्हारे ही हाथ में है? दुश्मनी छोड़ो और दोस्ती कर लो, मैं बड़े काम की चीज हूं। तुम्हें बॉम्बे जाना है ना, तो वहां पहुंचने का एक ही तरीका है,
जो ट्रेन छोड़ी थी वही ट्रेन फिर पकड़नी पड़ेगी रतलाम से। तुम क्या? हट जाओ, जाने दो मुझे। अब तो जहाँ जाएंगे साथ साथ ही जाएंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि ट्रेन में तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। क्यों? मुझे एक खूनी की मदद की कोई जरूरत नहीं। ओह, तो ये बात है। आओ। देखो मैडम, पुलिस ने मेरे लिए इनाम 10,000 जरूर रखा है, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया। असली खूनी उसी ट्रेन पर है, और जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। तुम जो भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ।